हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैंने पुराने वेस्ट पड़े हुए स्वेटर में से ये डोरमैट बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस तरह के वेस्ट पड़े हुए स्वेटर में से डोरमैट बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा बना हुआ स्वेटर है, जिसको मैंने आधा पहले किसी और काम में ले लिया है। तो ये मेरा वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें से डोरमैट बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके धागे निकाल कर इसकी लच्छी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके धागे खींच खींच कर निकाल लेंगे और इसकी लच्छी बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये गोला बना लिया है स्वेटर को उधेड़ कर। तो इसकी कॉम्बिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर लिया है, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं। तो इसको साइड से रख देंगे। अब हम इसकी बेस के लिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आटे का बोरा लिया है, तो इस पर सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये अपना आटे का बोरा लेंगे और इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले इस साइड से हम 2 इंच का, 2 इंच पर इसका निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम इस पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम चारों कोनों पर सबसे पहले 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं कॉर्नर्स पर, इस तरीके से। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक बॉक्स जैसा बन गया है, इस तरीके से। अब हम फिर से 2-2 इंची पर निशान लगाएंगे। तो इस साइड से भी हम 2 पे लगाएंगे यहाँ पर, और इस साइड से भी हम 2 पे लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम चारों ओर से 2-2 पे निशान लगा लेंगे। तो इसका भी हम एक बॉक्स बना के तैयार कर लेते हैं। ये मेरा पूरी ड्राइंग ड्रॉ हो चुकी है इस पर, जिस तरीके से मुझे करनी थी उस तरीके से। तो अब हम इसमें अपनी ऊन भरेंगे। और मैंने यहाँ पर जो ये बेस के लिए लिया है वो मैंने डबल लिया है, जिससे हमारा थोड़ा सा थिक बनेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे एक बड़ी सुई ली है, उसमें इस तरीके से डबल करके ऊन को नॉट कर लिया है। तो अब हम यहाँ से इस धागे को, यानी कि पीछे से हम धागे को इसमें डालेंगे। और इस वाले कॉर्नर्स तक लेके आएंगे यहाँ तक, और इसमें से हम सुई को इस तरीके से डालते हुए और इसी के साइड से निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ऊन है वो वेस्ट नहीं होगी, यानी कि पीछे की साइड में हमारी ऊन वेस्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके से जहाँ से हमने ये ऊन डाली है यहीं से, इसी के बगल से हम धागा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हम इसे इसी तरीके से करेंगे। और अब हम इसी के साइड से बिल्कुल ये धागा डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और ये पीछे से बिल्कुल ऊन वेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। तो बिल्कुल हम इसी के बगल से निकालेंगे यहाँ से हमने धागा डाला था। तो इस तरीके से ये देखिए, और ये पीछे से बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रही है हमारी ऊन, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। तरीके से हम ये यहाँ तक पूरा बना के तैयार कर लेंगे, जहाँ तक हमने ये बॉक्स बनाया है। तो ये हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे पीछे धागे को निकाल कर नॉट कर देंगे और इसे हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने ही धागे की जरूरत थी।
तो ये हमारा इतना बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम ये ब्लू वाला धागा लेंगे और जो हमारी दूसरी वाली है जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसमें अब हम ये ब्लू वाला धागा, तो अब हम इसमें ब्लू वाले धागे को भरेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने ये पिंक को छोड़ा है इस तरीके से, और यहाँ से और इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में निकालते हुए बिल्कुल साइड से निकालेंगे इसको भी। इस तरीके से वैसे भी हम इसी तरीके से बना के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारा धागा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा बीच में तो हम उसे लूज कर देंगे, क्योंकि एकदम टाइट धागा लेंगे तो हमारा जो नीचे का आटे का बोरा है वो थोड़ा प्लास्टिक का बोरा है वो थोड़ा खिंच जाएगा, तो इसलिए हम इसे लूज कर देंगे। अगर थोड़ा टाइट हो जाएगा तो इस तरीके से खींच कर हम थोड़ा सा लूज करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे भी पूरा कवर कर लेंगे यहाँ तक ब्लू वाले से, फिर उसके बाद हम ये पिंक वाले से इसे पूरा कवर करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ तक ये ब्लू का बना लिया है, तो अब हम इसके बाद पिंक का बनाएंगे। तो जहाँ से हमने ब्लू की लाइन शुरू की थी इस तरीके से, तो जो ब्लू की लाइन है उसी के ऊपर से हम ये पिंक वाला बनाएंगे जो हमने स्वेटर को उधेड़ के बनाया था। तो इस तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे और पिंक का भी हम इसी तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे जिससे कि हम इसे बना सकें, तो बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इतना सा थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है इसमें, तो इसी तरीके से हम इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इसे पूरा बना लिया है, पहले पिंक फिर ब्लू फिर पिंक। तो अब हम इसके चारों किनारे लगाएंगे। मेरे पास यहाँ पर ये इस तरह की ये लेस पड़ी हुई हैं, तो मैं इनमें से लगा दूंगी इस तरीके से रखते हुए। तो मेरे पास दो हैं, तो इनमें से हम एक लेस लगा देंगे इसके ऊपर। आप इस पर कोई भी किनारी लगा सकते हैं जिससे कि ये निकले नहीं। और मेरे पास यहाँ पर ये लेस पड़ी हुई थी तो मैं इसे लगा देती हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे सुई धागे से लगा रही हूँ जिससे हमारी बहुत ही मजबूत लगेगी। तो इसे हम इसके चारों ओर लगा के तैयार कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके चारों ओर इसे सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसके चारों ओर इसे लगा लेते हैं। आप इसे मशीन से भी सिल सकते हैं या फिर हाथ से भी इसे इसी तरीके से रख सकते हैं। तो ये मैंने चारों ओर से इस पे लेस लगा ली है, तो ये हमारा डोरमैट बनके रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।